हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज एक अलग ही टॉपिक पे अपना वीडियो बना रही हूँ। मैं यूट्यूब खोल के देखती हूँ तो आजकल सिर्फ सितारा यासीन, सलमा, यही सब के बारे में बताया जा रहा है। मैं सितारा यासीन का वीडियो मैं बहुत पहले से देखते आ रही हूँ। जब उन्होंने सेकंड अपने हस्बैंड के सेकंड मैरिज का बताया था ना, तभी से मैं देख रही हूँ। मुझे वो पसंद भी आती थी, मैं उनका वीडियो देखती भी थी। अभी तो उनका चैनल बंद हो गया है शायद, पता नहीं। उनके पूरे घर वाले लोग ही वीडियो बनाते हैं। तो अभी भी वो दुब वहाँ गई थी। अभी सितारा यासीन अपनी बहन सलमा के यहाँ पे गई थी। अभी जब भी YouTube में खोलो तो बस वही 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 बता रहे हैं। तो फिर मैं भी सोची कि मैं भी एक वीडियो क्यों ना बनाऊं, मुझे कुछ भी पता नहीं। वो दोनों बहनों का मैटर है, दोनों बहनों का ही मैटर है, परंतु उस पे दूसरे लोग इतने वीडियो बना रहे हैं, इतनी कौन सही कौन गलत क्या हुआ। मतलब वो सलमा यासिन ने अपनी छोटी बहन, पहले सलमा यासिन का मैं आप लोगों को शुरू से बताती हूँ। सलमा यासिन वीडियो बनाती थी। वीडियो उनका बहुत ज्यादा, ऐसा बताते हैं कि बहुत, जब वो पहले मेकअप के ऊपर बनाती थी, फिर उनका वीडियो बहुत ज्यादा नहीं चलता था, तो उन्होंने अपने हस्बैंड, उनके हस्बैंड की सेकंड मैरिज हुई कि नहीं हुई ये नहीं पता, परंतु उन्होंने बनाया कि सेकंड मैरिज, अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज मैं खुद करवा रही हूँ। और उसकी वाइफ के लिए उन्होंने बहुत कपड़े वगैरह जितनी भी शॉपिंग की सब दिखाया, तो वो वाला वीडियो उनका बहुत वायरल हुआ और उन बहुत नाम कमा ली सितारा यासिन। उनका वो वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ, अच्छे वहाँ पे उनके व्यूज आने लगे, उनकी कमाई बहुत ज़्यादा होने लगी। अब उसके बाद फिर वो सेकंड वाइफ के ही नाम से वीडियो, कौसर, उनके सेकंड वाइफ का नाम कौसर। तो अभी ये भी खुल के आ रहा है कि कौसर उनकी सेकंड वाइफ, उसके हस्बैंड की सेकंड वाइफ है ही नहीं, उसको उन्होंने ऐसे ही किराए में लिया था अपना वीडियो चलाने के लिए ऐसा। पर विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लोग ऐसा भी कर सकते हैं, पता नहीं। तो मैं टॉपिक पे आती हूँ कि उसके वो दोनों बहन है, सलमा यासिन और सितारा यासिन। सलमा सलमा बड़ी बहन है, सितारा छोटी बहन है। तो सितारा अभी उमरा करने के लिए सलमा के यहाँ पे गई थी। सलमा उसी जगह पर रहती है। फिर वो अपने तीनों बच्चों को लेके अच्छा एक आध डेढ़ महीना वहां पर वो रही। उसके बाद फिर वो उमरा वगैरह करके यहाँ पर आए। दोनों बहन अच्छे वहाँ पे शॉपिंग किए, सब सब दिखाए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना करके वहाँ से उन्होंने डाला। वो सब वीडियो भी मैंने देखा। फिर एक दिन अचानक उस उनकी बहन सलमा का भी वीडियो बन जाता है। सितारा सभी का चैनल खोल दी है, अपने परिवार में उनके सभी का चैनल है। सलमा बहुत रो रही, बहुत। फिर एक दिन वीडियो आया सलमा का, उसमें वो बहुत रो रही है और अपने हस्बैंड का सितारा के साथ में ऐसा बताई है कि ये दोनों का अफेयर चल रहा है, मेरी बहन ने ही मेरा घर उजाड़ दिया है, मुझे सबूत मिले हैं। पाकिस्तान गए थे उनके हस्बैंड और वो क्राउन होटल वगैरह का भी उनके पास मिल गया था। तो फिर वो अपने भतीजी है शायद नैना करके, उससे पूछी तो पता चला ऐसा। तो दोनों बहनों का उससे बहुत ज्यादा दूरी आ गई। तो सलमा ने सितारा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अब इल्जाम लगा दिया तो सितारा ने क्या किया है कि अपने आईब्रोज पूरे सेव कर लिए हैं, बाल पूरे काट दिए हैं और बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे अपने आप को पूरा चेहरा बिगाड़ ली समझो। और फिर आई एक रोज लाइव कि देखो मेरी बर्बादी हो गई, ऐसा वैसा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। यूट्यूब में जो अपना पर्सनल लाइफ है वो यूट्यूब में ला के दोनों बहनों का, मतलब वो बड़ी बहन छोटी बहन को अपने हस्बैंड के साथ में बता रही है। फिर सितारा के हस्बैंड भी आते हैं और फिर वो सितारा बताती है कि मेरे हस्बैंड ने, ये सेकंड वाइफ है कौसर, ये वो। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ है, मुझे तो नहीं पता, पर मुझे लगा कि मैं भी आप वीडियो बहुत ज़्यादा, मतलब देखते रहती हूँ, वो यूट्यूब में वही 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 आता है, तो मैं सोची कि मैं भी इस पर एक वीडियो बनाऊँ और बताऊँ। तो आप लोगों को अगर
कुछ भी पता हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सितारा सही है या सलमा सही है। मुझे तो नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत है। ओके गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।